ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार। आज जब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल कर रही थी, मोदी सरकार की सीबीआई जो है वो आरजेडी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नेताओं पर छापेमारी कर रही थी। मामला 13 साल पुराना है। मामला कौन सा है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि किन नेताओं की यहां पर सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही थी। समानांतर तौर पर मैं आपको यह भी बतला दूं कि झारखंड में भी जहां हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी छापेमारी जा रही थी। और आरजेडी की जिन नेताओं के घर पे छापेमारी की गई वो कौन कौन है? आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, इसके अलावा पूर्व एमएलसी सुबोध राय। और इत्तेफाक देखिए, ये छापेमारी तब हो रही है जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिहार के अंदर विश्वास मत हासिल कर रही है। आपकी स्क्रीन पर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम झुकने नहीं वाले हैं। क्या कहा राबड़ी देवी ने, आइए सुनते हैं। देख रहा है ना, बिहार के जनता भी देख रहा है, दुनिया देख रहा है। आप लोग को पहले से इस बात का डर था? हम लोग क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे? हम लोग डंडे वाला आदमी नहीं। तो सुना आपने, जिस मामले को लेकर दोस्तों छापेमारी की जा रही है ना, वो 13 साल पुराना मामला है। और ये मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन्स पर। दरअसल ये घोटाला यूपीए 1 सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य लोगों के नाम हैं। ये भर्ती घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच के समय का है। आरोप है कि लालू यादव रेल मंत्री थे जब, तो जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था साल 2004 से 2009 में, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब भोला यादव उनके ओएसडी थे। अब ये भोला यादव कौन है दोस्तों, ये बतलाने के लिए आपको इन तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भोला यादव को जमीन के बदले नौकरी वाले केस में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इसी साल 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप यह है कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले पटना में प्रमुख संपत्तियों को लालू के परिवार के सदस्यों को बेची या गिफ्ट में दी गई। आरोप यह है कि लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे में पहले अस्थायी तौर पर नियुक्ति कराते थे और फिर जैसे ही जमीन की डील पूरी हो जाती थी नौकरी को पक्की कर दी जाती थी। इस तरह से सैकड़ों लोगों और अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि सीबीआई ने इस शख्स यानी कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल पर भी रेड मारी है। जी हां, वो मॉल जो कि तेजस्वी यादव का बताया जाता है, वहां पर भी रेड मारी गई है। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जांच एजेंसीज मजाक बन गई हैं, विपक्ष पर निशाना साधने का जरिया बन गई हैं। मामला 13 साल पुराना, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने क्या कहा था सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को, कि आइए और अपना दफ्तर मेरे घर में लगवा लीजिए। सुनिए क्या कहा था तेजस्वी यादव ने। डर नहीं लगता, वो ऑफिस खोल ले हमारे घर पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन गिव देम अ मैसेज थ्रू योर चैनल, आई विल गिव देम अ इनविटेशन, प्लीज टू ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, प्लीज कम एंड स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट टू। क्यों आप 2 महीने बाद छापे मारते रहते हो, यही रहो ना, कुछ नहीं होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनके इस मशवरे को गंभीरता से ले रही है, इसी के चलते ये तमाम रेड्स मारी जा रही हैं।
आज बोल के लब आजाद है तेरे में, मैं आपको बतला रहा हूं कि जांच एजेंसीज कितना बड़ा मजाक बन गई हैं, रेड मारना कितना बड़ा मजाक और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना हो गया है। मैं आपको कुछ और चीजें दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जैसे कि आप जानते हैं झारखंड से भाजपा के सांसद हैं, मगर इनको पहले से ही मालूम थी कि रेड कब क्यों कहां पड़ने वाली है। आपके स्क्रीन पर अब तेरा क्या हो गया, इनको याद आ रही है गब्बर सिंह की। निशिकांत दुबे जी, कहीं आपने खुद को गब्बर सिंह तो नहीं बतला दिया? अब तेरा क्या होगा, कल झारखंड में नया सवेरा होगा, आखिर अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी। जिन्होंने मेरी बात को मजाक में उड़ाया उनको धन्यवाद, आपके कारण अपने फिक्र और गम को धुएं में उड़ाता चला गया। झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई भी उपहास छोटा लगता है। सवाल यहां पर यह है निशिकांत दुबे जी, आप जो कह रहे हैं फिल्मी अंदाज में वो एक अलग मुद्दा है, मगर कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज के काम को मजाक बनाकर रख दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रेड्स के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इन चेहरों पर गौर कीजिए, ये महाराष्ट्र के चेहरे हैं, यह है किरिट सुमैया। जब रेड मारी जाने वाली होती है, गिरफ्तारी की जाने वाली होती है, इन्हें पहले ही पता चल जाता है। मोहित कंबोज, इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि एनसीपी के एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी होने वाली है, और भाजपा के ये नेता आशीष सेल्लार बोलते हैं कि मोहित कंबोज का स्ट्राइक रेट 100% है। आप इन तमाम नेताओं में एक समानता देखिए, जांच एजेंसीज को लेकर जो अहंकार इनमें दिखाई दे रहा है ना, वो अप्रत्याशित है। मानो इन नेताओं को लगता है कि सत्ता हमेशा इनके हाथों में रहेगी, मानो इन नेताओं को लगता है कि इस सत्ता के जरिए, इन एजेंसीज के जरिए सिर्फ ये ही विपक्ष को टारगेट करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं निशिकांत दुबे सरीखे नेताओं को बताना चाहता हूं कि जो नजीर मोदी सरकार ने तय की है ना, उसी का अनुसरण आने वाली सरकारें भी करने वाली हैं, और यह देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इस तरह से यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई की जाए, मगर आप भी जानते हैं 13-13 साल पुराने केसेस लेकर बात सामने आती है, और जो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं उन पर कोई केस नहीं होता है। इन चेहरों पर गौर कीजिए, शुभेंदु अधिकारी, इनके खिलाफ तमाम केसेस से कहां गए बताइए। मुकुल रॉय, ये भाजपा गए, सारे केसेस खत्म हो गए, फिर वापस आ गए। हेमंत बिश्व शर्मा, भाजपा गए, सारे केसेस खत्म हो गए। एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी बागी विधायक गए, उनके तमाम ईडी केसेस खत्म हो गए। वो अब कह रहे हैं कि अब हम सुख की नींद सो पाते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले बतलाया था कि बिहार सरकार और बिहार और आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े नेताओं का यही हश्र होने वाला है, और यह महज आगाज है। इसकी चेतावनी निशिकांत दुबे, मोहित कंबोज और इसके अलावा किरिट सुमैया जैसे नेता देते रहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने कल ही इस बात को लेकर आशंका जतला दी थी कि सीबीआई, इनकम टैक्स है, ईडी जो है वो रेड मारने वाली है। उन्होंने क्या कहा था, कल ही कहा था, बौखलाई हुई भाजपा के सहयोगी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स बिहार में अतिशीघ्र ही रेड की तैयारी कर रहे हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो गया है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल यानी आज के दिन का जिक्र यहां पर शक्ति सिंह यादव कर रहे हैं, और इसी का इशारा जो है निशिकांत दुबे ने भी अपने इस ट्वीट में कर डाला था। जांच एजेंसीज किस तरह का मजाक बन गई ना दोस्तों, उसका एक और मैं प्रमाण आपको देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त दबिश जो है सीबीआई की आम आदमी पार्टी सरकार पर है। आबकारी नीति को लेकर आप जानते हैं एक नहीं दो नहीं 21 स्थानों पर सीबीआई ने रेड मारी। कटघरे में यह शख्स है मनीष सिसोदिया। कल यह खबर आई थी कि ईडी ने इन पर केस कर दिया है, और यह खबर किसी सूत्र के हवाले से नहीं बल्कि एक अधिकारी के हवाले से आई थी। बाद में इस खबर पर यूटर्न कर दिया, नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास ना हो तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि जांच एजेंसी इसका मोदी सरकार में क्या मजाक बन रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों
Enforcement Directorate registers a money laundering case against Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in connection with the Delhi Excise Policy 2021-22. ये खबर ये कह रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। ये खबर आई थी और उसके बाद ईडी जो है इससे खुद पलट गया, न जाने क्यों इनका हृदय परिवर्तन हो गया। आपके सामने पलटी हुई खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टॉप ऑफिशियल्स नाउ डिनाइज ईडी केस अगेंस्ट मनीष सिसोदिया। द अर्लियर रिपोर्ट वॉज फ्लैश आफ्टर एडिशनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सोनिया नारंग कंफर्म टू ANI ऑन रिकॉर्ड अबाउट ओपनिंग अप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट मनीष सिसोदिया। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक अधिकारी सोनिया नारंग ने टेलीविजन पर कैमरे पर ANI से कहा था कि हम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस खोल रहे हैं और बाद में इसी मुद्दे को लेकर पलट जाते हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के लोकतंत्र के साथ, क्या कर रही है मोदी सरकार? आप मीडिया पर अपना दबाव बना रहे हैं वो तो हम जानते हैं, मीडिया आपके सामने नतमस्तक है और कल ही खबर आई है कि अडानी ने जो है वो NDTV पर भी कब्जा कर लिया है, यानी कि जो आखिरी न्यूज चैनल था वो भी। अब देखिए ईडी का क्या हल हो गया है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल और CBI का इस्तेमाल सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए होगा, उसके प्रवक्ता के तौर पर होगा, तो फिर यही मजाक होने लगेगा। सोनिया नारंग कुछ और कहती हैं, थोड़ी देर बाद वो बात से ही पलट जाती हैं। यानी कि मैं नहीं जानता हूं ईडी में कौन क्या बैठ के सोच रहा था कि नहीं साहब यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, इसे अभी तो हम नहीं डालते हैं, और फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। अगर जागरूक मीडिया होती तो कटघरे में रखती इन तमाम एजेंसीज को, मगर आप जानते हैं इन एजेंसीज के निशाने पर मीडिया भी रहती है। जी हां, आज मैं जिस मंच से आपसे बात कर रहा हूं न्यूज क्लिक, आप जानते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स ने पहले 114 घंटे की रेड और उसके बाद 24 घंटे की रेड हम पर मारी थी, न्यूज क्लिक पर मारी थी, तो हम तो इसका सामना कर ही रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सामना कर रही है, और इस तरह की हरकतें करके कहीं ना कहीं आप जांच एजेंसीज की गंभीरता को खत्म कर रहे हैं, उसे हल्का बना रहे हैं और देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, मगर एक बात तय है दोस्तों, यह महज आगाज है। आने वाले दिनों में बिहार में ईडी, CBI और इनकम टैक्स, इनकी दबिश लगातार बढ़ेगी, उनका जोर लगातार बढ़ेगा। यह सिर्फ शुरुआत है, यहां पर यह खत्म नहीं होने वाला है, और उन तमाम खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।